नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि वो खाना खाने में आनाकानी करते हैं, खाना खाने से कतराते हैं। और दोस्तों, जब आपका बच्चा एक साल का हो जाता है तब से वो ऐसा करना स्टार्ट कर देते हैं। एक साल से कम उम्र के बच्चे को आप उसके लिए अलग खाना बना के देते हैं, लेकिन जब बच्चा एक साल का हो जाता है तो नॉर्मली जो हम घर में खाना बनाते हैं अपने लिए वही देने की कोशिश करते हैं ताकि उसे आदत बने। फिर दोस्तों, आप बच्चों को कुछ अलग बना के भी देते हो तब भी क्या करते हैं, बच्चे आनाकानी करते हैं, खाना नहीं खाना चाहते, तो ऐसा वो क्यों करते हैं? तो इसके लिए मैं आज आपको 7 तरीके बताऊंगी जिसे अपनाने के बाद आपका बच्चा जो है खाना खाना स्टार्ट कर देगा और आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। दोस्तों, होता ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वे क्या है कि जब आप उसे कुछ खाने को देंगे तो वो भरपेट खा लेंगे, जितना आप उम्मीद नहीं करोगे उससे ज़्यादा खा लेंगे, और अगले ही दिन क्या करेंगे, उसे छुएंगे भी नहीं या फिर इतना कम खाएंगे कि आपको लगेगा इसका पेट ही नहीं बड़ा होगा और आपको बुरा लग जाता है, आपका मन दुखी हो जाता है। क्योंकि जब आपका बच्चा ढंग से नहीं खाता तो ऑब्वियसली माँ का मन तो दुखी होगा ही। और दोस्तों, इसके अलावा बच्चे क्या करने लग जाते हैं कि वो खाने की पौष्टिकता तो देखते नहीं कि इसमें क्या पोषक तत्व मिलेगा, उन्हें पता ही नहीं होता। वो क्या करते हैं, बस स्वाद देखते हैं कि हमें किस चीज़ में ज़्यादा स्वाद आ रहा है, हमें तो वही खाना है। और दोस्तों, इसलिए कई बार बच्चे जो हैं ऐसी चीज़ें खाना नहीं चाहते जो कि पौष्टिकता से भरपूर हो। उन्हें लगता है कि अगर हम ये नहीं खाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे जो माँ बाप हैं हमें वो चीज़ ला के देंगे जो हमें पसंद है, क्योंकि आपको उस समय पता चल ही जाता है कि आपके बच्चे को क्या पसंद है। तो उनको लगता है कि मेरे मम्मी या मेरे पापा वो चीज़ ही मुझे बना के देंगे या फिर मेरे लिए वो चीज़ ही लेके आएंगे जो मुझे खाना पसंद है। और दोस्तों, मजबूरी में आके आपको भी वो चीज़ देनी पड़ती है, क्योंकि जब आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा तो आप चाहेंगे उसका पेट भर जाए और आप उसे जो उसका पसंद का खाना है या जो उसकी पसंद की चीज़ें खाने की आप उसे दे देते हो। ऐसा होता ही है फिर नहीं, सभी के साथ नॉर्मली होता है। आप उसे भूखा तो नहीं रखते हो, कुछ भी देके उसका पेट भर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो ठीक है नहीं। दोस्तों, अगर एक दिन की बात है तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन हम उसे कुछ उल्टा सीधा ही खिला देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर बच्चा डेली ऐसा करने लगे तो बहुत टेंशन की बात हो जाती है। दोस्तों, बच्चों में एक आदत और होती है, अगर आप अपने बच्चों को कोई नया चीज़ खाने को देंगे तो वो उसे खाना नहीं चाहते हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता है और अभी भी होता है, अगर मैं कुछ नई चीज़ अपने बेबी को दूंगी खाने के लिए वो नहीं खाना चाहता बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप वो चीज़ उसे लगातार कई दिनों तक देते हैं तो उसके दिमाग में बात बैठती है कि हाँ, मुझे जो है इस चीज़ को खाना है, और वो डेफिनेटली खाते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, अगर आपने बच्चों को कुछ पौष्टिकता से भरपूर चीज़ें देना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अगर वो नहीं खाता है तो आप खा लीजिए, क्योंकि आप फेंक नहीं सकते, वेस्ट नहीं करना है आपको। अगर वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा। और कोशिश कीजिए कि वो चीज़ आप उसे बार बार दीजिए, लगातार बना के दीजिए, और ऐसा एक दिन ज़रूर आएगा कि वो खा लेगा। एक दिन मतलब ये नहीं कि एक साल लग जाएंगे, मतलब कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद 5 दिन के बाद उसे लगेगा कि हाँ, ये खाने की चीज़ है। और आप उसके सामने बैठ के खुद भी खाइए और उसको लगेगा फिर कि खाने की चीज़ है, तो वो ज़रूर खाने लग जाएगा। तो आप ये काम भी कर सकते हैं कोई नई चीज़ को खिलाने के लिए। और दोस्तों, हमेशा ही आपको ध्यान रखना है कि आप बच्चे को शुरुआत से ही ऐसी चीज़ें खाने को दें जो कि पौष्टिकता से भरपूर हो, क्योंकि हम माँ बाप की गलती होती है, हम उसे बाहर का कुछ उल्टा सीधा खिलाने लग जाते हैं, और बाद में जब आपका बच्चा उस चीज़ के पीछे पड़ जाता है, उसे गंदी आदत लग जाती है उस चीज़ को खाने की, तो हम जो है फिर उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि ये घर का खाना खाना नहीं चाहता और ये बाहर का जो है अनहेल्दी चीज़ें खाता है। तो दोस्तों, ये तो हमारी गलती की वजह से होता है। दोस्तों, इसलिए कोशिश करें जब बच्चा खाने की शुरुआत कर लेता है तो आप अपने घर में ऐसी चीज़ें लाना बंद कर दीजिए जो कि अनहेल्दी है, ना तो खुद सेवन कीजिए और ना अपने बच्चे को करने दीजिए। तो आपका बच्चा जो चीज़ खाएगा स्टार्टिंग से, तो वो उसे लगेगा कि हाँ, ये चीज़ ही खाने की है। और मैंने आपको बता ही दिया, अगर कोई नई चीज़ आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं तो पहले दिन, दूसरे दिन वो नहीं खाएगा, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन वो थोड़ा बहुत ज़रूर खाएगा, उसे स्वाद अच्छा लगेगा तो वो नेक्स्ट टाइम भी खाएगा। और दोस्तों, अगर आपका बच्चा खा लेता है तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसे डेली वही चीज़ बना के दें। दोस्तों, सभी के साथ यही होता है, जो चीज़ आज किसी को पसंद आ रही है, कल पसंद आ रही है, वो परसों पसंद नहीं आएगी। नॉर्मली एक चीज़ को डेली नहीं खा सकता, तो बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, उन्हें भी आप नई नई चीज़ें बना के दीजिए और उनके हिसाब की कटोरी ले आइए, प्लेट लेके आइए, चम्मच लेके आइए, अच्छे से सजा के, अच्छे से डेकोरेट करके दीजिए, ताकि उन्हें लगे कि हाँ, मेरे लिए मम्मा ने कुछ किया है और वो आपका खाना ज़रूर खाएंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ टिप्स और बता देती हूँ जिससे अपनाने के बाद आप अपने बच्चों को जो है हेल्दी और स्वादिष्ट खाना खिला पाएंगे। दोस्तों, डॉक्टर्स भी इस बात को मानते हैं कि जो बच्चे जो हैं खाना खाने में ज़्यादा आनाकानी करते हैं, ऐसे बच्चे को जो है दिन में 3 बार खाना खिलाना चाहिए। मतलब कि आपको स्टार्टिंग से 3 बार खाना खाने की आदत डालनी होगी अपने बच्चे में। और दोस्तों, बीच में आपको कम से कम 2-3 बार जो है हेल्दी स्नैक्स भी देने होंगे। दोस्तों, एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आपको 3 बार तो खाना देना है, साथ ही जिस समय पर आप खाना देते हैं उसी समय पर देना है। मतलब कि उसका टाइम निर्धारित करना होगा आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने
सुबह 8 बजे खिलाया, कल आप 9 बजे खिला रहे हैं और परसों आप उसे जाके 12 बजे खिला रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाता है, लेकिन आप कोशिश करें कि जिस टाइम को आप निर्धारित कीजिए अपने बच्चों के लिए उसी टाइम में उसे खाना दीजिए। अगर आप स्टार्टिंग से ऐसी आदत लगाएंगे तो आपके बच्चे को समय पर भूख लगेगी और वो भूख के मारे आप जो भी बनाएंगे थोड़ा बहुत तो ज़रूर खाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, आप अपने बच्चे को 3 बार खाना खिलाइए, 3 बार स्नैक्स खिलाइए हल्का फुल्का और हेल्दी स्नैक्स खिलाइए, और इसके अलावा जो है टाइम निर्धारित कर दीजिए, जो टाइम चुनी उसी टाइम पे खिलाइए। दोस्तों इसके अलावा जो बच्चे खाना खाने मना करते हैं और ऐसे बच्चे जो हैं क्या करते हैं कि आप उन्हें अगर एक ही चीज़ बार बार खिलाएंगे तो ऊब जाते हैं। वैसे ऊब तो कोई भी जाता है, लेकिन जिन बच्चों की आदत होती है आना करने करने की, खाना ना खाने की, उन बच्चों में ये ज़्यादा देखा गया है कि अगर उन्हें एक ही चीज़ बार बार खिलाया जाता है तो वो जो है खाने से ऊब जाते हैं और वो बाद में नहीं खाना चाहते हैं। तो आपको ये करना है, आप उन्हें बदल बदल के खाना दीजिए जो कि स्वादिष्ट हो और साथ में पौष्टिकता से भरपूर हो। इससे क्या होगा दोस्तों, एक तो उसके खाने में इंटरेस्ट बना रहेगा और उसे जो है नए नए पोषक तत्व मिलेंगे, तो उसका शरीर भी अच्छा बना रहेगा। आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि आप बच्चे को एक साथ ज़्यादा खाना खाने ना दें। दोस्तों कई बार क्या होता है कि बच्चे को ज़्यादा भूख नहीं लगता और आप उसे एकदम ही बहुत सारा खाना दे देते तो वो डर जाते हैं खाना देख के, घबरा जाते हैं कि हमें सब खाना होगा, और वो इस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं खा पाते। तो आपको बिल्कुल थोड़ा देना है खाना ताकि उन्हें लगे कि थोड़ा सा मैं खा के फिनिश कर दूंगा या मैं खा के फिनिश कर दूंगी। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बच्चे को एकदम बहुत ज़्यादा खाना मत दीजिए, थोड़ा सा दीजिए, अगर वो खा लेते हैं तो उसके बाद आप फिर और दीजिए, तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों डॉक्टर की माने तो उनके हिसाब से जब आपका बच्चा भूखा होता है तो आप उस समय जो है उसे नए आहार दें, क्योंकि अगर बच्चे को भूख लगा है तो ऑब्वियसली भूख में वो कुछ ना कुछ खाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कुछ खाना नहीं चाहता और जब उसे भूख लगती है तो आप उसके सामने कुछ भी रखेंगे तो वो खा लेता है। ऐसा कई बार होता है, आपने देखा भी होगा, महसूस किया होगा कि कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे को अगर कुछ नहीं मिलता खाने को और भूख उन्हें लगती है तो वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर खा लेते हैं। तो आप एक ये काम भी कीजिए, आपको कुछ बच्चे को नया खाना खिलाना हो तो आप उसे जब दीजिए जब वो भूखा हो, वो उस समय खाना ज़रूर खा लेगा। दोस्तों आपको बच्चे को खाना तो ज़रूर खिलाना है, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जितने ही बच्चे होते हैं दुनिया में सब में कुछ ना कुछ अलग होता है। दोस्तों होता क्या है कि आपके साथ भी ऐसा होगा या आपके घर में ऐसा कोई ना कोई होगा, जैसे कि मान लीजिए कि करेला पसंद नहीं आता, किसी को लौकी पसंद नहीं आती, किसी को कुछ पसंद नहीं आता, किसी को कुछ पसंद नहीं आता। तो ऐसे आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है कि उसे हो सकता है कोई चीज़ पसंद ना आ रही हो और आप उसे बार बार उसे खाने के लिए फोर्स कर रहे हैं, इससे आपके बच्चे के दिमाग में नेगेटिविटी आ जाएगी और वो जो है उस चीज़ को लेकर नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जो चीज़ आपने बच्चे को दे रही है खाने को, अगर मान लीजिए वो चीज़ वो नहीं खाना चाह रहा है और आपने उसे 2-4 बार दे दिया वो तब भी नहीं खाना चाह रहा है, मान लीजिए आपने आज दिया, 2-4 दिन के बाद देने की कोशिश करी या फिर 10 दिन के बाद देने की कोशिश करी और उसके बावजूद भी वो नहीं खाना चाह रहा, या फिर उसने एक बार खाया उसके साथ उसका स्वाद अच्छा नहीं लगा हो और वो उसको खाना ना चाहता हो, तो आपको जो अपने बच्चे को जिद भी नहीं करना, हाँ ये बहुत हेल्दी तो उसे खाना ही खाना है, गुस्सा करें, तो आपको ये काम नहीं करना है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अन्य बच्चों के मुकाबले काफ़ी संवेदनशील होते हैं, तो उन्हें हर कुछ सूट भी नहीं करता, वो हर कुछ का स्वाद अच्छे से महसूस भी नहीं कर पाते, तो आपको इस बात को समझना होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, उसके साथ जोर ज़बरदस्ती मत कीजिए। देखिए आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जो आपके बच्चे होते हैं जो नखरे ज़्यादा करते हैं खाना खाने में, आप ऐसे बच्चों को ऐसा खाना दीजिए जो कि स्वादिष्ट हो और वह हेल्दी हो। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि स्वाद और सेहत का मेल होना चाहिए, जो भी आप अपने बच्चों को खाना दीजिए एक तो वो स्वादिष्ट होना चाहिए ताकि बच्चे को एकदम पसंद आ जाए, और वो सेहत से भरपूर होना चाहिए, यानी कि आप ऐसा कुछ बना के दीजिए जो कि स्वादिष्ट भी हो और बच्चे के लिए सेहतमंद भी हो। दोस्तों बहुत सारे कुकिंग चैनल्स हैं यूट्यूब पर, या फिर बहुत सारे कुकिंग चैनल आपको टीवी पर देखने को मिल जाते हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे नए नए डिश बनाए जाते हैं, तो आप वहाँ से देख के कुछ डिश सीख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप अपने से भी कोई नया डिश बना सकते हैं, अपने आप कुछ नया आविष्कार कीजिए और कोशिश करें कि वो स्वादिष्ट बने ताकि आपके बच्चे को लगे कि कुछ नया है और वो खाने में इंटरेस्टेड हों। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा डेफिनेटली खाना सीख जाएगा। और दोस्तों देखिए मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कि छोटे बच्चे तो आनाकानी करते ही हैं, सभी करते हैं, नॉर्मली ऐसा कोई बच्चा नहीं होता कि वो आनाकानी ना करें, ऐसा भी नहीं होता कि वो खाते नहीं हैं, कभी कभी ऐसे खा लेते हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे कि उसने खा लिया, कभी कभी ऐसा मूड ख़राब कर देंगे। मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि मैंने उसके लिए हलवा बनाया तो उसने हलवा नहीं खाया, फिर मैंने उसके लिए चीला बनाया उसने चीला नहीं खाया, चावल और दाल बना दिया उसने वो भी नहीं खाया, फिर रोटी बनाया वो भी नहीं खाया, पराठे बना दिए नहीं खाया, खिचड़ी बना दो तो खा लेगा। मतलब दोस्तों बच्चे ऐसे ही करते हैं, कभी कभी कुछ भी नहीं खाना चाहते हैं, कभी कभी खिचड़ी बना के दो वो भी खा लेते हैं और अच्छे से खाते हैं। और दोस्तों आपको एक चीज़ और कोशिश करनी होगी हमेशा कि आप जब भी खाना अपने बच्चे को खिलाइए तो आप उसके साथ बैठ के खाइए, और आपकी फैमिली में जितने मेम्बर्स हैं सब एक साथ खाना बैठ के खाइए और उसको वहाँ बैठाइए,
ताकि उसको भी लगे कि हाँ फैमिली एक साथ बैठ के खाती है, ये खा रहे हैं तो मुझे भी खाना है, उसके दिमाग में बात बैठना चाहिए। और आपको उसको अकेला नहीं खिलाना कभी भी, आप बचपन से आदत डालिए, जब वो छोटा रहता है 6 महीने का हो जाता है बच्चा, तो हम उसे खाने की आदत डाल देते हैं, उसी से कीजिए कि जब भी आप खाना खाएं आप उसको अपने पास बैठा के रखिए ताकि वो देख देख के सीखे, और जब वो रोटी खाने लायक हो जाएगा, चावल खाने लायक हो जाएगा, तो फिर आपके साथ आराम से खाना लग जाएगा। और दोस्तों कभी कभी बच्चे नहीं खाते हैं, कम खाते हैं, तो इतना टेंशन में लेने की बात नहीं है। बच्चे ज़्यादा नखरा करते हैं तो मैंने आपको कुछ टिप्स बताएं, उसे अपना के देखिए। नहीं खा रहे हैं दोस्तों तो कुछ शरीर में कमी भी हो सकती है, आयरन वगैरह की कमी हो जाती है, तो बच्चे ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहते हैं तो उस समय आपको अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा आपके पास और कुछ चारा नहीं है कि आप क्या करेंगे। दोस्तों अगर आपका बच्चा हर कुछ करने के बावजूद भी नहीं खा रहा है तो फिर एक यही रास्ता है कि आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, वो कुछ ना कुछ मेडिसिन देंगे जिससे कि आपके बच्चे की सेहत अच्छी होगी और वो खाना खाना स्टार्ट कर देंगे। तो आई थिंक दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्ते।